नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। हैवानियत जब सिर पर सवार होती है तो सही गलत और अच्छे बुरे का फर्क खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि कैसे कोई उस महिला के लिए घिनौनी सोच रख सकता है जिसकी कोख से जन्म लिया हो। घटना नाइजीरिया की है। यहाँ कौरा नाम के शहर में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। डेविड शेखरी नामक शख्स ने पहले अपनी माँ के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसके बाद अपनी सास को ही हवस का शिकार बना डाला। डेविड की इस हरकत से ना सिर्फ इलाके के लोग हैरान हैं, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी विश्वास नहीं हो रहा। एक रात वो अत्यधिक नशे में अपने घर पहुंचा और सो रही अपनी माँ के साथ ही छेड़छाड़ करने लगा। डेविड की माँ की जब नींद टूटी तो उसने अपने बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। बेटे को देखते ही माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लोग वहां पहुंचते, डेविड वहां से फरार हो चुका था। माँ के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा और अपने घर से भागते हुए वो अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सास के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन यहां से वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया। वहां लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो ऐसी बात बताई गई कि लोगों के होश उड़ गए। पुलिस से पूछताछ में डेविड ने कबूल किया कि उसने अपनी सास के साथ हैवानियत को और माँ के साथ छेड़छाड़ की घटना को भी अंजाम दिया था। डेविड खुद को निर्दोष बताते हुए अनाप शनाप कुतर्क देने लगा। डेविड ने बताया कि जब मैं शराब पीता हूं तो मेरे भीतर एक आत्मा प्रवेश करती है जो उल्टे सीधे काम करवाती है। उसने कहा कि शराब के सेवन के बाद मुझे औरत चाहिए होती है, मुझे बाहर कोई औरत नहीं मिलती, तो मैंने अपने घर ही चला गया और लेकिन वहां कामयाब नहीं हो पाया तो अपनी सास के पास जा पहुंचा। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।